अमन अमन, बोलना। क्लच गॉड कितने साल का है? 18 का तो होगा। हाँ 18 साल जॉनी का है। जॉनी 17-18 का है। हाँ जोनी भी 18 और लग गया रहेगा नियो, उसको नियो लगता है। अपने जितना नियो बड़ा है। नियो बड़ा है। मेरी टीम को पीएमपीएल में सेकंड वीक से मैं टॉप अपनी टीम को ले जाके बैठा हूँ और मेरी टीम टॉप पे बैठी है। मेरी टीम को 48 मैच में ऑल चैट पे कभी कैंपर बोला जा रहा है, कभी नूब बोला जा रहा है, और लास्ट डे पे जिस बात से मैं ट्रिगर हुआ हूँ, मेरे मेरे पास आके ऑल चैट पे क्लच गॉड बोलता है कि भाई तू अपन तुम्हारी टीम कैंपर है, तुम खेल नहीं सकते, तुम अपने टीममेट को नेड मार के मर जाओ तुम साथ। सैनोक का मैच था ये। काफी हो, काफी लोग देख रहे हैं, 12,000 लोग देख रहे हैं। बस चलो हम पहला पॉइंट शुरू करते हैं भाई। हमारी मतलब हमें ये बोला गया है कि मैंने धमकी दी है कि मैं घर में घुस के मार दूंगा पत्नों को। पहली बात तो ना कोई आज तक किसी को ऐसे मार पाया है, ना कोई ये सिर्फ। और जो बात मेरी तरफ से बोली गई थी तुम वो सुन लो पहले। मैं बोला था मैं 48 मैच फ्रस्ट्रेट होके, मैं किसी को कहीं पे नहीं बोला, मैं सिर्फ पर्सनल में जाके घातक को बोला कि भाई तेरे बंदों से मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इतना, और अगर तू ना होता मेरा दोस्त तो मैं भाई इनको घर में घुस के मार देता। तो इसमें घर में घुस के मार देता का मतलब ये नहीं होता कि मैं घर पे जाके गोली चला सकता। वो हर एक बंदा अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल जहां तक पहुंचता है वैसी बात बोल देता है उस टाइम। हाँ भी अब गुस्सा है भी, नॉर्मल सा गुस्सा है ये। हाँ ये अब तुम मुझे ये बताओ कि नॉर्मल बात है या क्या है। स्काउट ने आज तक कम से कम 20 लोगों को या 25 लोगों को कम्युनिटी के बंदों को बोल चुका होगा, तो किसको आज तक मार दिया वो। और उसके बाद बात आती है, मैंने ये भी पॉइंट सुना है कि तुम हमारे बंदों को इनवाइट करते हो। मैं आज तक स्टार्टिंग से जिस दिन से पबजी खेल रहा हूँ, सारी पबजी में से कोई एक बंदा मेरे को आके मेरे को मेरा प्रूफ दिखा दे कि मैं उस बंदे को जाके अपनी टीम के लिए इनवाइट किया हूँ, मैं फेस कैम ऑन करके ना नंगा नाचूंगा स्क्रीन पे। फेस कैम ऑन करके नंगा नाचूंगा स्क्रीन पे अगर कोई एक बंदा सारी कम्युनिटी में से एक बंदा को ये दिखा दे कि मैं उस बंदे को जाके बुलाने आया हूँ कि मेरी टीम में आ। और हाँ भाई, रही ये इनवाइट वाले या किसी को बुलाने की बात का बड़प्पन, और भाई ये देखो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है कौन कैसे बोलता है। मेरे को मॉर्टल ने पर्सनली इनवाइट किया, मेरे को स्काउट ने पर्सनली इनवाइट किया। मेरा वो है कि मैं वो बात को कैसे बनाता हूँ या उस बात को मैं कैसे मानता हूँ। आज तक चैट पे या मैंने किसी बंदे के पास जाके मेरे को ये नहीं बोला कि भाई मैं बड़ा आदमी बन गया, मेरे को मॉर्टल ने इनवाइट किया, या वो या कुछ मैं हाँ मॉडल के बारे में बोल दिया ना स्काउट के बारे में। मेरी स्ट्रीम पे 32 दिन हो चुके हैं मेरे को स्ट्रीम करते हुए, मैं ना आज तक किसी और बंदे की बात क्यों, ना मैं आज किसी बंदे का ओपिनियन कौन सा है कौन। और रही बात किसी की बात करने की, मैं प्रॉपर तुम्हारे सामने बंदों का नाम लेके बात कर रहा हूँ, मैं अपनी चैट को ये नहीं बोल रहा। सुनो, अगर मैं आज तुम्हें ये बात बोलता हूँ कि भाई मेरे को एक बंदा इनवाइट किया है, और मैं तुम्हें वो गेस्ट भी करवा देता हूँ बंदा कौन है, और मैं तुम्हें ये भी बोल दूंगा कि तुम उस बंद अगर मैं तुम्हें उसका नाम बताऊंगा तुम उसकी जाके ये कर दोगे वो कर दोगे, ऑब्वियसली बात है तुम बंदों को ट्रिगर कर रहे हो, तुम जाके किसी डांट मारो या किसी डांट तो। बाकी कहा था, और मेरा कुछ सीन नहीं है रे, हम दोनों भाई हैं बहुत टाइम। बताओ यार, आज 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 हेटर चाहिए चैट में, और अपन तो कंट्रोवर्सी भी नहीं बना रहे कोई, अपन तो ये बता रहे हैं कि अपन कहाँ स्टैंड करते हैं। मेरी टीम में आज तक ना किसी को मैं रोकता हूँ जो जाना चाहता है, ना मैं किसी को बुलाता हूँ जो मेरी टीम में आना चाहता है। और मेरी ये आदत नहीं है कि मैं किसी को जाके अपना ये दिखाऊं कि हाँ भाई मैं बड़ा बन गया, मेरे को इनवाइट आ गया, या मेरी टीम में बंदे आना चाहते हैं। अब आती है बात कैंपर वाली। ओ आर कैंप समझ लो ना, कैंप ओ आर कैंप क्यों के। पहली बात तो जिसको कैंप और रोटेशन या कुछ होल्ड का कुछ मतलब नहीं पता, उनको तो मैं कुछ समझा नहीं सकता, ना ही अपने को समझाना है। मेरा बंदा एंटो, जिसको अभी तक ना इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस था ना उसको नेशनल का एक्सपीरियंस था, वो बंदे को मैं कैसे कह दूं कि तू भाई सारी टीम को जाके मार दे या सबको घुस के मार दे। मेरी टीम में चौथा प्लेयर मेरा सब्स्टिट्यूट कभी सफल होते रहते हैं, तो हमारा कोऑर्डिनेशन उतना नहीं बैठा। अग्रेसिव खेलने का मैं ट्राई किया, मेरा गेम प्ले तुमने देखा था, हमारी पुरानी टीम का गेम प्ले क्या होता था और उस टाइम कौन कहाँ था सबने देखा था, कौन कैसे डोमिनेट करता। गेम प्ले और बंदों के हिसाब से भाई हमें भी एडजस्ट करना पड़ता है, हमें भी जोन के अंदर जाना पड़ता है। और भाई वो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मेरे को एक्सपीरियंस है कि मैं जोन में कैसे ले जा सकता हूँ।
अब अगर मेरे पे जोन नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली बात है मेरे को भी बंदे मारने पड़ेंगे। ह्यूमन क्या बोलता है इस बात पर? सही बात है। आप जब तुम जोन सपोर्ट करता है तुम कुटियागिरी कर रहे हो, कर रहे ना ज्यादा की। हाँ मेरे पे जोन, सुनो अगर मेरे पे जोन बनता है तो मैं उसका होल्ड छोड़ के उसको जोन के बाहर चले जाऊँ क्या? मैं जोन के बाहर निकल के जाके जोन के बाहर जाके बंदे मारूँ क्या? या मैं जानबूझ के मर जाऊंगा जाके? और अभी मैं एक भी कंट्रोवर्शियल बात करूंगा ना तो मेरी गांड पे लात मार देना, मेरे कॉन्सेप्ट करके चल जाना। अगर मैं कुछ भी कंट्रोवर्शियल बात करूं मैं सिर्फ अपना पॉइंट क्लियर करता हूं कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं। ओहो लाओ यार हेटर लाओ थोड़ा। तेरा नाम अमन? अमन बोलना। क्लच कॉर्ड कितने साल का है? 18 का तो होगा। हाँ जॉनी, जॉनी 17-18 का है। हाँ जॉनी भी लग गया। नियो, नियो अपने जितना, नियो बड़ा है, नियो बड़ा है। मेरी टीम को पीएमपीएल में सेकंड वीक से मैं टॉप अपनी टीम को ले जाके बैठा हूँ और मेरी टीम टॉप पे बैठी है। मेरी टीम को 48 मैच में ऑल चैट पे कभी कैंपर बोला जा रहा है, कभी नूब बोला जा रहा है, और लास्ट डे पे जिस बात से मैं ट्रिगर हुआ हूँ मेरे पास आके ऑल चैट पे क्लच गॉड बोलता है कि भाई तू अपन तुम्हारी टीम कैंपर है, तुम खेल नहीं सकते, तुम अपने टीममेट को नेड मार के मर जाओ। तुम सैनोक का मैच था ये, जहां से मेरा दिमाग खराब। पहली बात तो मैं अपनी टॉप पे बैठा हूँ और ऊपर से सुनो दलजीत कितने साल का है? दलजीत 18 साल का है, जो आज तक किसी के साथ कभी भी वो नहीं किया। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो ना कभी किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं हुआ, कभी मेरी, कभी मेरा टीममेट, क्योंकि भाई हमारी तरफ से क्या बोला जाता है, अगर कोई बंदा ऐसी कोई बात करना चाहे ना तो उसको पहले ही रोक दिया जाता है कि मादरचोद तू ये मत कर। दलजीत 18 साल का है, एंटो कभी किसी चीज में पड़ा नहीं, या जो भी मेरे साथ बकचोदी करता है, वीरू मेरे साथ खेल रहा है, वो उनके साथ भी खेला है। वीरू कितने साल का? वीरू 17 साल का है। तो क्या डिफरेंस हुआ इसमें? 48 मैच में मैं चोदू हूं क्या? मैं किसी के उसके ऊपर आया हूं क्या? मैं किसी की बातें सुनता रहूं? किसी का क्या देना है मुझे? किसी का किस चीज का उधार देना है मुझे? और हाँ एक पॉइंट मेरे को और भी पता चला कि मिरामर में हमें जगह दी गई खेलने के। परसों उसका टूर्नामेंट चल रहा था नोनो का, नोनो के टूर्नामेंट में हमारे दिमाग में क्या आया कि चल एंटिटी को जाके मारते हैं। हमने जाके मारा हिल पे आके, दो बंदे हमने मार दिए, दो किसी और टीम ने मार दिए। तो वहां से ट्रिगर होके बात आती है कि भाई हाँ अब ये बात हो गई, अगर गए तो ये बात हो गई। अगर तुम किसी बंदे को जानबूझ के घुस-घुस के मारोगे तो उधर से भी पहले सामने से पर्सनल मैसेज आया ना, जब हमारी मेरी टीम के कुछ बंदों को पकड़ के मार दिया जाता था तो मैं भी बोल देता था कि भाई मेरे बंदों को क्यों मार रहे हो, वो लूट रहे हैं, अगल बगल और टीम उतर रही है उनको मार लो। इसमें मेरे और उनमें क्या डिफरेंस? मैं कितना 48 मैच मैं गालियां सुन रहा था या किसी की बातें टॉन्ट सुन रहा था? क्यों सुन रहा था? क्योंकि मेरे पास उस टाइम बोलने के लिए पॉइंट नहीं था। अगर मैं उस टाइम बोलता तो ये बोला जाता ये तो जानतू है यार, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लोग ये नहीं कर पाएंगे, इनको बोलने दे। जब 48 मैच में मेरे पास, उसके बाद मेरे पास पॉइंट आ गया ना बोलने लगे कि हाँ मैं बोल पाऊँ, तब देखो, तब अभी तो कुछ बोला भी नहीं था मैं तो कुछ बोला भी नहीं। मैं तो कुछ जाके किसी की लाइव स्ट्रीम पे कुछ एक बोला नहीं। मैं तो सिर्फ इतना सा जो बात सामने से ऑन स्ट्रीम लोगों को वो लोग बोल देते हैं कि ओआर वाले कैंपर हैं, वैसे मैंने बोल दिया, वैसे नॉर्मल बात मैंने बोल दी कि भाई हम कैंप करके फर्स्ट आ सकते हैं, लोग मार के भी आए ही भाई। इसमें कौन सी ऐसी बात थी कि मैं TSM के फैंस को या TSM को मैं कुछ बहुत ज्यादा गलत हूँ? मैं अपने मुंह से अपनी स्ट्रीम पे कितनी बार बोल चुका हूँ कि भाई वो बेस्ट टीम है, उस टीम पे बेस्ट बंदे उतरो, उनको कितनी बार पर्सनल मैसेज, मैं ये जो स्ट्रीम पे बातें हुई थी ना उसके पहले पर्सनल मैसेज में मैं ये बोल चुका था कि भाई तेरी टीम बेस्ट है, तेरी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन जो हरकतें हैं ना वो अच्छी नहीं। जीतने के बाद एटीट्यूड चेंज हुआ होता मेरे को किसी और बंदे से पूछवाओ भाई, कोई एक बंदा आके बोले कि जीतने के बाद एटीट्यूड क्या, एटीट्यूड क्या, एटीट्यूड होता क्या है भाई? मेरे को तो अभी तक ये नहीं पता था। मैं कितनी बार मेरे से कोई आके बोलता है तुम जीत के आना, या तुम, मेरा रिप्लाई क्या होता है कि भाई ट्राई करेंगे, 16 टीम है, 16 टीम नहीं फर्स्ट आ सकती, कोई ना कोई ऊपर आएगा, कोई ना कोई नीचे आएगा। आज हम फर्स्ट आए थे, कल को हम चैंपियनशिप में 16 से भी आ सकते हैं, उस बात को मैं भाई एग्री करता हूँ। और अगर मेरे बंदे मान लो आज मेरा बंदा, मैं एंटो मेरा गाली दे, या दलजीत हमारा गाली दे के किसी को आ रहा है और उसको उसके बाद मैं उसको ये बोल दूंगा यार दलजीत को 18 का है यार, उसको मतलब दलजीत तो 18 का है, दलजीत तो बच्चा है,
मैं एग्री करता हूँ कि चल बच्चे गलतियां करते हैं, मैं खुद 19 साल का हूँ, मैं खुद बच्चा हूँ, मैं खुद 19 साल का हूँ, तो मेरे को ये बताओ मैं कहाँ से बड़ा हो गया। अगर उस बात को मैं बच्चा बोल के प्रिटेंड कर दूंगा तो भाई अगले दिन दलजीत आके दोबारा फिर मेरी गांठ मरवाएगा ही मरवाएगा। अरे लाला ऐसी बातें यार, मैं फोकस करता ही नहीं हूँ, मेरे को फोकस करने की जरूरत क्या है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास व्हाट्सएप पर देने रिप्लाई देने को टाइम नहीं है, मैं उठता हूँ स्ट्रीम करता हूँ खेलता हूँ अपना सो जाता हूँ। मेरे जो बंदे मेरे क्लोज आते हैं पूछ लेना कि उनका व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी दिया है क्या आज तक। फिर पॉइंट उठाया जाता है कि हमारे बंदे, फिर गाजक ने ये बोला कि हमारे बंदे तो 60 बंदों के सामने बोल रहे थे, तू मेरे को पर्सनल टेक्स्ट कर देता। वो 48 मैच गाजक पीछे से बैठ के गाइड करता है, जो जो बातें बोली जाती हैं, मैं ये नहीं कहता कि उसको सुनाई दी होंगी या नहीं, बोली तो सामने जाती है ना, हम उस टाइम भी अपन किसी ना किसी पे ये बोल सकते हैं कि भाई इस टीम को ना बोलो यार, या चलो आज बहुत हो गया इतना मत बोलो, सुनाई तो उसको भी दे रहा था, उसको भी पता है कि मैं किस बात पे ट्रिगर होऊंगा किस बात पे नहीं। वो मेरा दोस्त है ना मेरा, और उसने मेरे को भाई माना है, मैं उसको भाई माना हूँ, हम लोग 1-1.5 साल से इकट्ठे हैं, एक दूसरे को इतना तो जानते हैं ना कौन कितना। और बंदों को बोलते टाइम ये नहीं पता चलता कि वो बोल क्या रहे हैं। मेरा चैनल बना है यूट्यूब का लड़की के नाम पे, हर बंदे का कोई ना कोई टैग है, जोनाथन को बोल दिया जाता है टपा टप, तो मतलब जोनाथन ने हिंदुस्तानी उसके ऊपर चैनल बना लिया क्या, उसके दम पे चैनल चला दिया क्या। पब्लिक ने मेरे को अभी ये रख दिया, मेरे को कब अच्छा लगता है कि मेरे को लोग बोले माविया होना होना, मेरे को कब अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है क्या। लोगों ने जो नाम दे दिया अपन ने उसको चला लिया, लोगों ने जो अपने को टैग दे दिया तो अपन ने उसको एक तरह का मजाक में रख लिया, तो इसका मतलब ये हो गया क्या मैं लड़की, किस दिन लड़की मेरे चैनल पे खेलने आई, मैं 100K क्रॉस कर चुका था उसके बाद भी लड़की आई नहीं, वो भी रैंडम मेरे चैनल पे आई थी क्योंकि उस दिन भी वो रैंडम फ्रेंड लिस्ट में बैठी। और रही बात, एक बात ये सुनाई गई कि जब हमारी टीम मतलब TSM 1v4 हुई तो उन्होंने डेस्टो को एप्रिशिएट किया, वो मेरे पॉइंट को उठा के दी गई, जब डी गॉड ने हमें 1v4 किया था ना, मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था रोने वाला इमोजी डाल, जब डी गॉड ने हमें 1v4 किया था मैं प्रॉपर डी गॉड को ही टैग करके भाई रोने वाला वो डाला था, क्योंकि भाई अच्छा मारा भाई हमने, किस दिन बोला मैंने, किस दिन बोल दिया TSM अच्छा नहीं खेलता, मैं आज भी बोलता हूँ TSM सबसे अच्छी टीम है, उसमें सबसे अच्छे प्लेयर है। और सुनो, और पुरानी बात उठाते हैं, बोला जाता है कि मावी ने एंटो और गिल की बात छेड़ देता हूँ कि इनको छेड़ा है, एंटो तेरे को मैं इनवाइट किया आज तक, तू होटल में था, तेरे को मावी का मैसेज आया था नहीं नहीं जाके कभी गिल से या किसी से भी पूछ के देखना कि मावी का मैसेज आया है या मावी ने कभी ये बोला है कि मेरी छेड़ा था। किसी एक प्लेयर को, किसी एक सिंगल प्लेयर को जाके बोल दो पबजी के, किसी एक प्लेयर को भी अगर किसी ने एक ने भी बोल दिया ना फेस कैम ऑन करके भाई मैं खड़ा हूँ। और मैं तो यूट्यूब स्टार्ट भी नहीं करने वाला था, मेरे को तो जरूरत भी नहीं थी, अपने को जो दिल से सपोर्ट किए भाई उन्होंने स्टार्ट करवाया, कहते चल एंजॉय हो जाता है बंदे का। और भाई मैं अपना चिल मारने आता हूँ इधर, मैं कुछ पब्लिसिटी या कुछ बवासीर करने नहीं आता। और रही बात ये वो थी ना कि मार्क द लोकेशन, अपना एटीट्यूड चेंज होने का, भाई एटीट्यूड चेंज होना, भाई मैं पहले भी तुम्हें अभी बताया हूँ कि मैं अपनी टीम को भी यही बोला था, अगर हम जीतते हैं भाई तो हम अपना पॉइंट आगे रखेंगे कि भाई हमें गालियां क्यों नहीं करते, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्या तुम्हारा क्या कर दिया, तुम हमें ये बोल सकते हो यार हमने तुमसे क्या लेके खा लिया। और भाई औकात वात वाला तो नहीं है भाई, औकात तो भाई सबको पता है, इतना कॉन्फिडेंस से शायद प्रॉन्ट है वो, झूठ बोल रहा है तू, गिल को तो पूरा मैनिपुलेट कर दिया है तूने, मैं बोल रहा हूँ ना, तो बोलो क्रॉन्टन को चैट में जाके। और मेरे टीममेट जितनी देर मेरे टीममेट नहीं इंप्रूव करेंगे ना, उतनी देर मेरी टीम ऐसे ही होल्ड कर देगी, जिस दिन मेरे टीममेट इंप्रूव करेंगे उस दिन मैं भी मारूंगा, या जिस दिन हमारी टीम को जरूरत पड़ी, जिस दिन जरूरत पड़ी ना मारने की उस दिन हम मारेंगे, अभी जरूरत नहीं पड़ रही। अबे एक चीज बोलो कि इफ यू हैव द जोन, लाइक एक टीम बता ना, लाइक दे विल गो आउट ऑफ द जोन एंड गो फॉर द किल, हमको हमेशा जोन मिल रही है भाई, व्हाई विल वी गो आउट एंड टेक फाइट भाई, उसको भाई उसका मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा गेम में फोकस है भाई, मेरा गेम में ग्राइंड है जो मैंने किया है, 19 साल का मैं हूँ, 19 साल का बच्चा हूँ मैं, 32 दिन स्ट्रीम को हो गए, 32 दिन में से आज तक मेरे मुंह से किसी टीम का ओपिनियन, किसी बंदे का ओपिनियन निकला, मैं तो गलती करता नहीं भाई, हमें पता है ना भाई गलती का अंजाम क्या होता है, हमें कोई बचाने वाला नहीं है ना आगे, हमारी मेरी ऑर्गेनाइजेशन या मेरा मैनेजर का भी या कुछ भी मेरा कोई बंदा मेरे को नहीं बचाएगा ना, इसलिए मेरे को पहले ही पता स्टेप क्या लेना है। बहुत है, सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं जितने मेरे को पता चले थे, बाकी मेरे को नहीं पता स्ट्रीम पे क्या बात हुई थी क्या नहीं हुई थी। चलो इतने लिए थैंक्स, हम अपने में भाई भाई हैं, कोई सीन नहीं है,
तुम लोगों को जो मैसेज पता चले थे उसके हिसाब से ये इसको रिलेट कर लेना, क्या बात हुई थी क्या थी?